वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने देखा था ट्रांसमिशन मीडिया, एंड ये भी ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट टू है। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अभी आपको आई बटन पे भी मिल रहा होगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पहले आप ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट वन देख लें, तभी पार्ट टू देखें, क्योंकि उसी का ये पार्ट टू है, तो वो जब तक देखिएगा नहीं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया का पार्ट वन में हमने क्या देखा था कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है, एंड ट्विस्टेड पेयर हमने कवर कर लिया था। ट्विस्टेड पेयर में हमने देखा था अनसील्ड एंड सील्ड, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कवर हो चुका है। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कोएक्सियल केबल, एंड कोएक्सियल केबल का टाइप बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, ठीक है। तो पार्ट वन अगर आप नहीं देखें तो आप पहले देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कहानी चल क्या रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोएक्सियल केबल। देखिए, कोएक्सियल केबल थोड़ा नाम पे थोड़ा जाते हैं कि नाम क्या है। को मतलब होता है सेम, ठीक है, को का मतलब होता है सेम। अगर आप कहीं भी देखिए को वर्ड आता है तो उसका मीनिंग निकलिए को, को का मतलब होता है सेम। और एक्सियल मतलब होता है एक्सिस, मतलब एक्सिस मतलब सेम एक्सिस के बात किया जा रहा है, मतलब इसमें जो भी वायर होंगे उसका एक्सिस सेम होगा, ठीक है। कोएक्सियल केबल का मतलब क्या होगा कि इसमें दो वायर होंगे, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब हुआ सेम एक्सिस, और कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि दो वायर होते हैं, दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इट मीन्स दोनों का एक्सिस सेम होता है, ठीक है। ये लिटरल मीनिंग हुआ। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें है क्या, कि कोएक्सियल केबल मेनली यूज हम कहाँ पे करते हैं। कोएक्सियल केबल मेनली आप देखिएगा टीवी पे, जो ब्रॉडकास्टिंग होता है टीवी का, तो जो टीवी का जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो वायर यूज होता है वो कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। एंड कोएक्सियल केबल में क्या होता है, दो कंडक्टर होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। अभी मैंने बोला है कि कोएक्सियल का लिटरल मीनिंग ही है कि सेम एक्सिस, ठीक है। अभी देखिए, ये कोएक्सियल केबल का एक फोटो है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो कि ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर वन बोलिए, एंड ये भी आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर टू है। तभी इसमें क्या है, ये कॉपर वायर है, इसमें आपका सिग्नल ट्रैवल करेगा C1 में, ठीक है। इस कंडक्टर को C1 को हमने क्या किया, एक ये इंसुलेटर है, ठीक है, I1 मैं बोल रहा हूँ। तो इस हमने क्या किया, कंडक्टर वन को इंसुलेटर वन में कवर कर लिया, इसके अंडर डाल दिया। फिर इंसुलेटर वन को कवर किया किस में, कंडक्टर टू में, ठीक है। और फिर कंडक्टर टू इंसुलेटर वन एंड कंडक्टर वन को कवर किया किस में, इंसुलेटर टू में। एंड फिर उसके ऊपर हमने ये क्या लगा दिया, प्लास्टिक का कवर, ठीक है। ऐसे चलता, सबसे पहले होता है प्लास्टिक का कवर, फिर होता है इंसुलेटर टू। मैं इंसुलेटर टू बोल रहा हूँ, इसका नाम इंसुलेटर टू नहीं है, मैं इंसुलेटर बस अभी मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद होता है एक कंडक्टिंग वायर, मतलब ये एक मेस होता है, कॉपर का मेस होता है। फिर होता है एक इंसुलेटर, और फिर होता है आपका कॉपर वायर, ठीक है। इस कॉपर वायर में आपका जाता है सिग्नल, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर देखिए, हर एक केबल में आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि केबल का स्ट्रक्चर क्या है, उसी स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे होता है स्ट्रक्चर, पहले प्लास्टिक का, प्लास्टिक के अंदर आएगा एक इंसुलेटर, उसके अंदर आएगा कॉपर का मेस जो होता है सेकंड कंडक्टर, फिर आएगा एक इंसुलेटर एंड उसके अंदर होगा हमारा कॉपर वायर, एंड इसी कॉपर वायर में हमारा ट्रेवल करता है यहाँ पे सिग्नल, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक और उसी का डायग्राम है। ये हमारा हो गया कंडक्टर, जिसको इनर कंडक्टर बोलिए, ठीक है। इस इनर कंडक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको अंदर डालते हैं एक इंसुलेटर में, ठीक है। फिर उसके ऊपर आता है एक आउटर कंडक्टर, ये वाला। फिर इस आउटर कंडक्टर को डालते हैं एक आउटर इंसुलेटर में, एंड फिर इन सबको डाल देते हैं एक प्लास्टिक के कवर में, ठीक है। और हमारा सिग्नल कहाँ ट्रेवल करता है, इसमें इनर कंडक्टर में, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिख रखा है कि कोएक्सियल केबल में क्या होता है, दो वायर होते हैं, किसके, कॉपर के। तो वायर जो पहला वायर होता है वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर पे लाई करता है, और मैं किसका बना होता है, सॉलिड कंडक्टर, मतलब सॉलिड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर बीच में एक होल होगा लंबा सा जिसमें सिग्नल हमारा ट्रेवल करेगा। अब कोर किस में इंक्लोज होता है, एक इंसुलेटिंग सीट में, मतलब कोर को क्या करते हैं, ये हमारा कोर है, ठीक है। इस कोर को हमने किसके अंदर कवर कर रखा है, एक इंसुलेटिंग सीट, ये इंसुलेटिंग सीट है।
फिर आता है सेकेंड कंडक्टर। सेकेंड कंडक्टर किसका बनाता है? कॉपर मेस का, ठीक है, कॉपर का एक मेस बनाते हैं, एंड उसी कॉपर मेस का ये हमारा पतला सा ये सीट होता है जो कि इस इंसुलेटर के ऊपर रहता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? रैप अराउंड ओवर द सीट, ठीक है, ये जो सीट है इंसुलेटर, इसके ऊपर ये लगा रहता है, एंड फिर इसको भी इसके ऊपर क्या लगता है? एक और इंसुलेटर लगता है जो कि एक और इनकॉर्पोरेटेड बाय इंसुलेटिंग सीट, और सबको किस में कवर कर देते हैं? प्लास्टिक कवर में, ये प्लास्टिक कवर। तो ये जो मैंने अभी बताया ना उसको मैंने वर्ड में लिख दिया, वर्ड में इसलिए लिख दिया है कि आप एग्जाम में वर्ड में ही लिखोगे तभी तो आपको नंबर मिलेगा ना, ठीक है। अब बात ये भी है कि रटना नहीं है सब कुछ, आप बातें समझ लो कि इसमें कैसे कैसे फ्लो है, ठीक है। अब जो मिडिल कंडक्टर मिडिल कोर है, जैसे ये हमारा इनर कोर हो गया, इसको मिडिल कोर बोल रहे हैं, ये हमारा आउटर कंडक्टर हो गया, ये हमारा आउटर इंसुलेटर हो गया। तो मिडिल कोर क्या होता है? नॉन कंडक्टिव होता है, ऑब्वियस बात है, इंसुलेटर है तो नॉन कंडक्टिव भी होगा, और ये क्या करता है? इनर कंडक्टर को और आउटर कंडक्टर को सेपरेट करता है। ऑब्वियस बात है, ये हमारा आउटर कंडक्टर है, ये हमारा इनर कंडक्टर है, दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? ये मिडिल कोर, ठीक है। एंड यहाँ पर शायद सेंटर का स्पेलिंग गलत है, ई आर नहीं होना चाहिए, आर ई होना चाहिए। एंड फिर हम क्या आता है, ये यहाँ पर मिडिल कोर नहीं, मिडिल कोर नहीं होगा, कोर होगा। कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफरिंग, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो कहाँ जाता है? कोर बोलिए, इनर कोर बोलिए, जो भी आप नोमेनक्लेचर यूज करो उसी को थ्रू आउट अपने एग्जाम में लिखना। और कॉपर मेस क्या प्रोवाइड करता है? ये जो आउटर कंडक्टर है, आउटर कंडक्टर का काम क्या है? ये EMI प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगे ना वो हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब ना करें, उससे ये हमें बचाता है आउटर कंडक्टर, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसमें हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। ये जो हमारा कोएक्सियल केबल है इसमें क्रॉस टॉक कम होता है, इसमें नॉइज कम आते हैं, ठीक है, एंड इसमें स्पीड 450 मेगाबिट के स्पीड से डेटा को ट्रांसफर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कोएक्सियल केबल समझ में आ गया हो। कोएक्सियल इट मींस दो कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, देखिए ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों का एक्सिस क्या है? सेम है, पैरेलल है, ठीक है। तो आपको इसी के बारे में लिखना है, वो मैंने वर्ड में लिख दिया, आप इसको पॉइंट वाइज मैंने लिखा, आप इसको लिख सकते हो। उसी का ये एक जूम डायग्राम है, इनर कंडक्टर, आउटर इनर इंसुलेटर या मिडिल इंसुलेटर, आउटर कंडक्टर, आउटर इंसुलेटर एंड प्लास्टिक कवर, एंड यहाँ पर हमारा रहेगा सिग्नल, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? हाई बैंडविड्थ, ठीक है, 450, हाई स्पीड मिलेगा, नॉइज से इम्यूनिटी मिलेगी, मतलब नॉइज इसमें कम हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब करेगा, इंस्टॉलेशन ईजी है, डेटा ट्रांसफर हाई स्पीड पर होता है। दो चीज़ है, बैंडविड्थ अलग चीज़ होता है और हाई स्पीड अलग चीज़ होता है, ठीक है। जो मैंने 450 मेगाबिट्स पर सेकंड जो बोला है वो डेटा का स्पीड है, ठीक है। बैंडविड्थ अलग होता है, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है कि कितने से कितने रेंज तक, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है कि कितने रेंज तक वो फ्रीक्वेंसी को उस वायर में हम ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो शील्डिंग कैपेसिटी होता है वो ट्विस्टेड पेयर केबल से अच्छा होता है, ठीक है। अब दिक्कत इसमें ये है कि अगर पूरा केबल अगर कहीं से भी बीच में अगर डिस्टर्ब हो जाता है, मान लीजिए ये पूरा नेटवर्क है और बीच से कहीं भी वायर के टूट गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंसिव है थोड़ा सा ट्विस्टेड पेयर केबल से, इसकी वायर ज़्यादा महंगे आती है, और पूरा नेटवर्क केवल एक केबल पर टिका होता है, अगर एक केबल डिस्टर्ब हुआ तो पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। अब जो कोएक्सियल केबल है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप। देखिए जब भी कभी भी अगर टाइप पढ़िए ना तो वो टाइप का बेसिस होता है, किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं या टाइप कैटेगरी बनाते हैं तो किसी ना किसी बेस पे बनाते हैं। तो कोएक्सियल केबल दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड, कि उसमें जो सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो एक होता है बेस बैंड ट्रांसमिशन मोड एंड दूसरा होता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन मोड। बेस बैंड ट्रांसमिशन मोड में हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे कोएक्सियल केबल में एक ही सिंगल सिग्नल ट्रैवल करता है, एक ही सिग्नल ट्रैवल करता है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जब पूरा का पूरा उसको कोएक्सियल केबल एक ही सिग्नल को मिलेगा तो पूरा हाई स्पीड में जाएगा ये, ठीक है, और हाई स्पीड में जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ पूरा का पूरा ये जो भी इस चैनल का बैंडविड्थ होगा पूरा का पूरा उस सिग्नल को मिल जाएगा। तो
हाई बैंडविड्थ भी मिलता है, ठीक है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड बैंडविड्थ और स्पीड ज़्यादा रहेगा। और ब्रॉडबैंड में क्या करते हैं कि इस पूरे चैनल का जो भी कैपेसिटी है उसको 2, 3, 4, 5 सिग्नल में डिवाइड कर देते हैं कि इतने से इतने तक के लिए ये सिग्नल जाएगा, इतने से इतने पार्ट में ये सिग्नल जाएगा, इस पार्ट में ये सिग्नल जाएगा, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड में हम क्या करते हैं कि एक ही केबल में मल्टीपल सिग्नल जाते हैं, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं बैंड डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड ब्रॉडबैंड में बेस बैंड के कंपेरिजन में कम आएगा, ठीक है। मैं बोलूँ कि ब्रॉडबैंड में स्पीड कम आएगा, आप बोलोगे ब्रॉडबैंड तो मेरा बहुत तेज़ चलता है। नहीं, ब्रॉडबैंड तेज़ चलता है लेकिन उससे भी तेज़ चलेगा बेस बैंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ को हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं रेंजेज में, कि ये जो पूरा हमारा बैंडविड्थ है उसका यहाँ से इतना रेंज इस सिग्नल को मिलेगा, ये रेंज इस सिग्नल को मिलेगा, ये रेंज इस सिग्नल को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोएक्सियल केबल दो टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मोड, कि उसमें जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो किस मोड में ट्रैवल कर रहा है, मतलब सिंगल केवल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है या मल्टीपल सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर सिंगल सिग्नल मतलब केवल एक ही सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो उसको बेसबैंड ट्रांसमिशन मोड बोलेंगे। एंड उसमें क्या होगा कि हाई स्पीड मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा बैंडविड्थ एक ही सिग्नल को एलोकेटेड होगा। एंड ब्रॉडबैंड में क्या होगा कि मल्टीपल सिग्नल हम केबल में ट्रैवल कराएंगे तो इसमें थोड़ी सी स्पीड कम मिलेगी बेसबैंड के कंपेरिजन में। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बैंडविड्थ होता है उसको हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट रेंजेज में, एंड हर एक रेंज अलग अलग सिग्नल को हम लोग एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको कोएक्सियल केबल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्टिकल फाइबर बताने वाला हूँ। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।